जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो Y2 Studio, जो कि YouTube जितना यूट्यूबर है वो कहीं ना कहीं Y2 Studio ऐप का यूज करते हैं, यानी कि उसका उपयोग करते हैं, उसी की मदद से सारा एनालिसिस देखते रहते हैं। तो कैसे इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से, अभी आप लोग को हम यहाँ पे साइड में आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग को हम लगा दूंगा साइड में, और आप लोग को यहाँ पे हम करके एक एक चीज आपको हम बताने वाले हैं, जिसमें कि आपको A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। जितना भी न्यू यूट्यूबर है, यानी कि नया यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट किए हैं, तो आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। Y2 Studio नाम से आपको ऐप यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको हम करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको YouTube से रिलेटेड ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहता है। चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए Y2 Studio ऐप है, इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले खोलेंगे। ये आप लोग को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग ये ऐप उपयोग कर सकते हैं, जो कि सबसे पहले आपको यहाँ से आपको खोलना है। थोड़ा सा नेट स्लो है, यहाँ पे आप लोग को खुल गया, जो कि देख सकते हैं मेरा इसी चैनल का जो कि है यहाँ पे आपको देखने के लिए मेरा होगा 166 सब्सक्राइबर है, व्यू 1.7 के है, जो कि ऊपर की ओर तीर का निशान दिया हुआ। इसका मतलब है पिछले महीने के तोड़ना में, यानी पिछला महीना में जितना व्यू गया था उससे जो है इस महीना में अधिक व्यू आया है। वेस्ट टाइम हमको 125 घंटा मिला है, यानी कि 125 घंटा जो कि पिछले महीना से अधिक मिला है, सब्सक्राइबर से 25 मिला है। और ये इतना कम इस चैनल पर क्यों है, क्योंकि मेरा जो है फर्स्ट चैनल एक्सेंट मैथ क्लास है, जिसपे की हम काम करते हैं, इसपे उतना लगातार वीडियो नहीं आएगा। सप्ताह में आपको 2 से 3 वीडियो ही देखने के लिए मिलता है, और न्यू चैनल है इसीलिए इसका अभी बहुत कम संरचित है। और यहाँ पे देखिये ये ऊपर में हो गया, और नीचे में यहाँ पे आपको डैशबोर्ड कंटेंट, यानी कि आपका जो वीडियो होगा इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जितना भी वीडियो होगा ये सारा वीडियो आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है। उसका यहाँ पे एनालिसिस मिल जाएगा आपका, इन एनालिसिस के बारे में भी आप लोग को हम बताने वाले हैं। कमेंट सेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे आपको, जो भी आपका कॉमेंट आया वो सारा कॉमेंट मिलेगा। और इस साइड में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें की आपको कोई वीडियो होगा, जैसे की यहाँ पे हमारे इसमें एक भी वीडियो नहीं है, तो ये सारा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड का हो गया, अब कंटेंट पे चलते हैं, यानी वीडियो पे चलते हैं। मान के चलिए एक वीडियो यहाँ पे है, YouTube पर वीडियो अपलोड कैसे करें, ये मेरा वीडियो है जिसमें कि 99 व्यू गया है, 10 दिन पहले ये वीडियो लोड किया है। तो इसका देखिए, इसका अब हम चेक करेंगे इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, यहाँ पे रैंक बाय व्यू, यानी कि रैंक बाय व्यू का मतलब हुआ 10 दिन 17 घंटा पहले ये वीडियो अपलोड किया गया था यूट्यूब पे, जिसमें की इसमें ये दूसरा स्थान पे चला, यानी कि इतना 10 दिन 17 घंटा में एक नंबर पे है हमारा जो कि वीडियो है, उसमें 105 व्यू गया था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 99 व्यू गया है, इसीलिए ये दूसरा नंबर पे है। तीसरा नंबर पे जैसे कि देख सकते हैं उसमें 52 व्यू इतना देर में गया था, यानी कि उस समय हिसाब से आपका कितना व्यू गया था उस हिसाब से इसका रैंक रखा जाता है, ठीक है, ये समझ गए आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो की 5.7% है, और ऊपर की ओर तीर का निशान है, इसका मतलब यही है जो आपका इंप्रेशन यानी कि 5.7% आपका चल, लेकिन कम से कम आपका 5+ होना चाहिए तब अच्छा है, यानी कि 10 के करीब है तो आपको बहुत अच्छा है, 10+ है तो आपका बहुत अच्छा है। कौन चीज, तो ये जो बैनर जो आप लोग बनाते हैं, थंबनेल बनाते हैं, वो इसका मतलब है बहुत अच्छा है, यानी कि व्यक्ति देखता है और उस पर क्लिक करता है देखते ही मात्र 5% व्यक्ति। उसका एवरेज ड्यूरेशन जो की है 5.29%, जो कि वीडियो है 5-10 का और 29 है, तो ये कैसे ज्यादा किया जाता है ये चीज आप लोग कहिएगा, तो एक वीडियो बना के आप लोग को हम पर्सनल वीडियो बना के आपको दे देंगे, जिसमें कि ये चीज आपको बता देंगे जो अपने वीडियो पर व्यू कैसे ला सकते हैं। ये चीज ज्यादा, जिसका जितना ज्यादा रहेगा उसका उतना व्यू ज्यादा आता है, तो इसका देख सकते हैं बहुत अच्छा है। तो ये समझ गए, ये 3 चीज है। यहाँ पे हम इसका एनालिसिस पे जाते हैं, एनालिसिस पे जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे गो टू वीडियो एनालिसिस, तो इस पे एनालिसिस पे हम लोग चलते हैं और एनालिसिस में देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो एक मिनट, यहाँ पे देख रहे हैं नाच है, यानी कि नेट थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पे एक गांव से हम रहने वाले हैं, और गांव में आप लोग पता होगा नेट का, खास के जियो का नेटवर्किंग बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया है, इसीलिए हम एयरटेल उपयोग कर रहे हैं, ये इस मोबाइल में, लेकिन जियो लगा हुआ, जिस मोबाइल से वीडियो बना है उसमें एयरटेल लगा हुआ है। यहाँ पे खोलने के बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ व्यू 99, वेच टाइम 9 घंटा मिला है, सब्सक्राइबर इससे 4 को मिला है, 4 व्यक्ति क्या किया ये वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब किया है, 29 दिया, 5
5:29 यानी कि 106.2% इसका वीडियो चला है, यानी 100% से भी ज्यादा है। तो ये कैसे ज्यादा करते हैं, तो आप लोग का कमेंट आएगा, वीडियो बना के आप लोग को दे देंगे। और कैसे कैसे वीडियो देखा, कितना परसेंट व्यक्ति, वो देख सकते हैं, रेड कलर के ग्राफ बना हुआ यहाँ पे। और अभी जो है 48 घंटा इस पे एक भी व्यू नहीं आया, अगर व्यू आया रहता तो यहाँ पे बताता जो 48 घंटा में इतना व्यू आया है, और लास्ट 60 मिनट में यानी 1 घंटा में क्या व्यू आया वो चीज भी यहाँ पे दिखाई देता। यहाँ पे रिच देख सकते हैं, रिच जैसे 1.4 के व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचा था इम्प्रेशन, यानी कि उतना व्यक्ति के स्क्रीन पे ये वीडियो पहुंचाया गया, जिसमें से 5.7% व्यक्ति किया कि इस पे वीडियो पे क्लिक किया था, और यहाँ पे 99 व्यू उस हिसाब से आया है। और यहाँ पे सबसे अधिक देखिए व्यू कहाँ से आया, तो ब्राउज फीचर्स, यानी कि ब्राउज फीचर्स से सबसे अधिक व्यू आया है, यानी कि जैसे आप यूट्यूब खोलते हैं और देखते हैं ऊपर करते हुए, उस हिसाब से यानी कि 59.6% यानी कि व्यू आया है। यूट्यूब सर्च से आपको 17.2% आया है, चैनल पे से आपको 8.1% आया है, स्टेनर से आपको 6.1 आया है, ये समझिए। और यहाँ पे आपको किस ऐप से यानी कि व्यू आया है, तो देखिए गूगल सर्च से, गूगल पे भी सर्च किया जाता है तो मेरा वीडियो जाता है, और यूट्यूब पर यानी 16:16 ये दोनों पे आया है। सर्च कौन चीज करने पर वीडियो में व्यू आया है, तो अपलोड वीडियो इस पे आया 5.9% सर्च करने को। यूट्यूब चैनल कैसे बना इस पे 5.9%, यूट्यूब के लिए बैनर कैसे बना इसके लिए 5.9%, यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें इस पे 5.9%, यानी कि इस हिसाब से बहुत सारी चीजें। और इस पे क्लिक अगर ऐसे करते हैं तो बहुत सारी चीज इसमें देखने के लिए मिलेगा, जो कितना कितना जैसे 5%, 2%, 1% ऐसे करके बहुत सारा चीज है जो की सर्च में आता है। और सजेस्टेड यहाँ पे देख सकते हैं, रानू मंडल का घमंड देखकर आपके है, दोनों बहनों 15 अगस्त, यानी ये सब वीडियो मनोज दे का वीडियो देखे, ये सब वीडियो देखने के बाद यानी जो व्यक्ति ये सब वीडियो देखा है उसके बाद ही क्या किया, ये वीडियो देखा है वो सारा व्यक्ति। उसके बाद यहाँ पे एक मिनट, उसके बाद जो है एनालिसिस, जैसे इसमें जितना एनालिसिस करके आपको हम दिखा रहे हैं वैसे ही आपको यानी कि इसका मेन एनालिसिस होता है वहां पर भी जाने के बाद होगा। रिच के बाद यहाँ पे एंगेजमेंट यानी 9 घंटा हुआ इतना का, ये सब चीज तो आपको बता दिए सारा चीज। और यहाँ पे उसके बाद ऑडियंस में आएंगे तो देखिए न्यू ऑडियंस जितना होगा, तो ये नीला रंग का जो टिक किया हुआ है ये आपका न्यू ऑडियंस है, रिटर्निंग ऑडियंस यानी कि जो पहले से आपका वीडियो देखता है वो यहाँ पे रेड कलर में थोड़ा ग्रीन दिखाता है वो है। और यहाँ पे इंडिया का व्यक्ति 55.6% इंडिया का व्यक्ति देखा है, बाकी जितना देखा है वीडियो वो सब विदेश का व्यक्ति सब देखा है। सब्सक्राइबर मेरा 69.9% सब्सक्राइब जो किया हुआ है चैनल को वो व्यक्ति वीडियो को देखा है, और नॉट सब्सक्राइब यानी कि जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो 30.1% वीडियो को देखा है, यानी कि इतना व्यक्ति, ये आपका एनालिसिस हो गया किसी वीडियो का। अब हम लोग बैक चलते हैं, यहाँ पे एनालिसिस में चलते हैं। एनालिसिस में जाने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पे एनालिसिस में जाइएगा तो उससे ही सारा चीज व्यू दिया हुआ है, 28 दिन में कितना व्यू आया है सभी वीडियो पे वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है। और रियल टाइम यानी कि अभी 48 घंटा में 170 व्यू आया है, जिसमें किस किस वीडियो पे व्यू आया है वो सारा चीज यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। और 1 घंटा में कितना व्यू आया, तो 3 गो व्यू आया इस वीडियो पे, एक ही वीडियो पे जो की सर्च में सजेस्टेड में सबसे अधिक इस वीडियो पे व्यू आ रहा है, तो उसमें ये वीडियो गया हुआ है। उसका यहाँ पे कंटेंट है यानी कि कंटेंट कैसे कितना हो रहा है क्या जा रहा है, ब्राउज फीचर्स जिसमें कि आप देख सकते हैं सबसे अधिक व्यू आ रहा है। और यहाँ पे ऑडियंस है जो कि इस तरह से आपका 18 से 24 ईयर का जो है व्यक्ति वो 63% मेरा वीडियो देखता है, और 25 से 34 ईयर के व्यक्ति 37% वीडियो देखता है, मेल आपको 90% वीडियो देखता है, और फीमेल आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ही वीडियो देखता है। इंडियन 70.4% ग्राफी टॉपग्राफी, और पाकिस्तानी 1.9, और बाकी और देश होगा ठीक है। इस तरह से सब्सक्राइबर 51% देखा है, और नॉट सब्सक्राइबर 48.9% वीडियो को देखा है। तो ये सारी चीज इसमें है। और जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यहाँ पे एक सेक्शन और आता है रिव्यू का, उसमें कि आपका कितना रुपया बन रहा है किस वीडियो पे, तो वो मेरा पुराना वाला चैनल जो जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं उसमें वो सारा चीज है। तो अगर आप लोग कहिएगा तो एक पार्ट और बना के दे देंगे, इसमें आपको बेसिक जानकारी जो भी था वो सारा चीज आप लोग को हम बता दिए हैं, जो कैसे कैसे इसका उपयोग करना है। यहाँ पे कॉमेंट है, कॉमेंट पे जाएंगे तो हम कॉमेंट देख सकते हैं, कॉमेंट का लाइक कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे इसका रिप्लाई दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं थैंक्स, जो कि मेरा फर्स्ट चैनल से ही हम खुद ही कमेंट किए थे सपोर्ट करने के लिए एक्सेंट मैथ क्लास के नाम से जो कि मेरा चैनल है।
थैंक्स ऐसे मार सकते हैं, प्लेलिस्ट है नहीं तो प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम वीडियो को यानी कि पूरा एनालिसिस Y2 स्टूडियो से हम देख सकते हैं। और यहीं से बैनर लगाया जाता है यूट्यूब के लिए, जो ये बैनर लगा हुआ है ये भी यहीं से लगाया जाता है। अगर आपको नहीं लगाने आता है यूट्यूब का बैनर तो आप लोग कहिएगा, तो उस पर हम एक वीडियो बना के दे देंगे जो यूट्यूब के लिए बैनर कहाँ से लगाते हैं, यानी कि थंबनेल कहाँ से लगाते हैं और कैसे लगाते हैं और कैसे बनाते हैं सर, कैसे बनाते हैं इस पे तो वीडियो हम बना चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे सारी चीज। अगर समझ गए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और ये छोटा सा भी परिवार है इसको एक बड़ा परिवार बनाइए ताकि आपको हम और डिटेल्स और अच्छी तरह से आपको हम समझा सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। कहीं अगर आपको अच्छा लगा है और अपने दोस्तों के साथ अगर कोई यूट्यूब पे काम करना चाहता है तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।